दो शिकारियों को एक लोमड़ी माँ और उसके छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। जिन लोमड़ियों को देखकर ये दोनों शिकारी बिना सोचे समझे इन्हें अपने फावड़े से मारने लगते हैं। ये दोनों इन्हें इनकी जान निकलने तक मारते रहते हैं, लेकिन किस्मत से उसी रात एक बेघर आदमी को उन लोमड़ियों में से एक छोटा बच्चा जिंदा मिल जाता है। अब क्योंकि ये बेघर आदमी इस लोमड़ी के बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता था, इसलिए ये इस बच्चे को एक दयालु आदमी को सौंप देता है। ये दयालु आदमी इस लोमड़ी के बच्चे को अपनी शिकारी फीमेल डॉग के पास छोड़ देता है। अगले दिन ये आदमी इस लोमड़ी के बच्चे को अपनी बेटी को भी दिखाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये छोटा लोमड़ी का बच्चा इस आदमी के शिकारी कुत्ते के साथ बड़ा होने लगता है। अब क्योंकि लोमड़ी और कुत्ते अलग अलग दिखते हैं, इसलिए केवल इनका शिकारी कुत्ता ही इस लोमड़ी के बच्चे के साथ खेलता है। और तो और खाली समय में उस दयालु आदमी की बेटी भी इस लोमड़ी और कुत्ते के साथ खेला करती है। हालांकि ये लोग लोमड़ियों के फुर्तीले और चतुराईपने से नफरत करते थे, जिस कारण ये लोग इनका शिकार भी किया करते थे। अब क्योंकि इनके पास भी एक पालतू लोमड़ी है, तो ये लोग जंगली लोमड़ियों को पकड़ने के लिए इस लोमड़ी को प्रशिक्षित करने लगते हैं।